आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इसे 24x7 न्यूज हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नजर। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है इसे 24x7 न्यूज में। रियासत तेलंगाना में तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे अगले 48 घंटों में शदीद बारिश की पेश गोई के बाद मंगल को बंद रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ मीटिंग के बाद सीएम केसीआर ने कहा कि रेवेन्यू, पुलिस, फायर सर्विस, म्यूनिसिपल, पंचायत राज, आपाशी, सड़कें और इमारतें जैसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट को हंगामी ड्यूटी पर होना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जानी नुकसान ना हो। चीफ सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो वजीर आला की हिदायत के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई करें। यहाँ ये जिक्र करना है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात की तरफ से हैदराबाद के लिए जारी होने वाली बहुत ज्यादा बारिश की वार्निंग के बाद शहर को हाई अलर्ट जारी किया, जबकि 27 सितंबर को बारिश शुरू हुई। साइक्लोन गुलाब की वजह से ये असर 29 सितंबर तक जारी रह सकता है। जीएचएमसी की तरफ से सरकारी अहकाम जारी किए गए थे ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए जरूरी इकदाम जल्द किए जाएं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।